मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अंगदान से अनेकों को जीवन दान मिलता है। हर व्यक्ति ने अंगदान का संकल्प लेना चाहिए। अब लाइसेंस में ही अंगदान करने की मंजूरी अंकित की जा रही है। इस वजह से दुर्घटना में मृत व्यक्ति के अंगदान के लिए पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि अब महामार्ग पर दुर्घटना होने पर जल्द वैद्यकीय मदद के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्रीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र आईएमए बरामती रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में अंग प्रत्यारोपण मुहिम में शामिल होने वालों का सत्कार किया गया। प्रमुख अतिथि केंद्रीय मंत्री गडकरी, बरामती संचालक डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे, क्षेत्रीय अंग प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र की अध्यक्ष डॉक्टर विभावरी दानी, सचिव डॉक्टर संजय कुलते, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर संजय देवतरे, रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर जेरिस्टीन वॉचमेकर उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि अंगदान के बारे में समाज में जन जागृति की आवश्यकता है। वैद्यकीय सुविधाएं अपग्रेडेड हो गई है। निर्धन व जरूरतमंदों को सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रास्ताविक भाषण डॉक्टर विभावरी दानी ने दिया। इस अवसर पर अंगदान करने वाले परिजनों, ग्रीन कॉरिडोर में हिस्सा लेने वाले पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स का सत्कार किया गया। कार्यक्रम का संचालन शुभदा फडणवीस व वीना वाठरे ने किया। डॉक्टर शिव नारायण आचार्य ने अंगदान विषय पर जानकारी दी। डॉक्टर वीरेश गुप्ता, डॉक्टर नरेश तिरपुड़े, डॉक्टर राहुल सक्सेना, डॉक्टर पी के देशपांडे, डॉक्टर अश्विनी कुमार आचार्य, डॉक्टर समीर जहागीरदार उपस्थित थे। सुविधा प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत जाऊ शकत नाही, पण नागपूर हे मेडिकल हब बनावं आणि या ठिकाणी या सगळ्या प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या तर विदर्भातल्या, कारण विशेषतः कोविडच्या काळामध्ये अनेक गोष्टी लोकांच्या समोर आल्या। आश्चर्यकारक रीतीने मला प्रधानमंत्री एकदा सांगत होते की देशात फक्त 13,000 व्हेंटिलेटर होत्या जेव्हा कोविड सुरू झाला। अनेक डॉक्टरांकडे व्हेंटिलेटर एक किंवा दोन होते, ऑक्सिजनची कमी होती, औषधाची कमी होती आणि त्यामुळे आपण मोठ्या संकटातून गेलो। त्यामुळे आपल्या ज्या उणीवा आहेत त्या सगळ्या दुरुस्त करून त्या प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा आपल्या शहरामध्ये जर उपलब्ध झाल्या तर नक्कीच आपण जनतेचे प्राण वाचवू शकणार आहोत। 6,000 बेडची व्यवस्था आपल्याकडे आहे, ती 10,000 पर्यंत नेण्याचा आपल्या सरकारी यंत्रणेवर, शासकीय यंत्रणेवर आपण प्रायव्हेट आणि याच्यातून प्रयत्न करतो आहोत। ऑक्सिजन जे आहे ते प्रत्येक हॉस्पिटल स्वयंपूर्ण होईल, आत्मनिर्भर होईल त्याच्यात। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।